अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ही जियोग्राफिकल लेक्चर 2 है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो जाके पढ़ लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं आप लोगों का वर्ल्ड मैप, ताकि आप लोगों को पता चले कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर लाई करा आप लोगों का। ये आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका है, ये आप लोगों का साउथ अमेरिका है, इनको दरमियान में मिला रही है पैनामा कैनाल। वी हैव यूरोप और उसका एडजेसेंट आप लोगों का एशिया और देन अफ्रीका और यहाँ पर आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। और आप लोगों का साउथ कॉन्टिनेंट अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट ये यहाँ पे मौजूद है आप लोगों के साउथ पोल में, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास ये आपका सेमी सर्कल बनता है आप लोगों का पैसिफिक ओशन, और सेमी सर्कल यहाँ से भी पैसिफिक ओशन, ठीक है ना। क्योंकि सर्कुलर हमारा ग्लोब होता है, अर्थ हमारी स्फेरिकल मतलब सर्कुलर टाइप है, ठीक है। ये आप लोगों का जो एस शेप है, ये आप लोगों का अटलांटिक ओशन। यहाँ पर जो एम शेप आप लोगों को नज़र आ रही है, आप लोगों का इंडियन ओशन है। ये आप लोगों का साउथर्न ओशन है। साउथर्न ओशन क्योंकि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के पास है, इसलिए इसे साउदर्न अंटार्कटिक ओशन भी कह देते हैं। और टॉप पे आप लोगों का अंटार्कटिक ओशन नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई थी कैसे याद रखने हैं ये ओशंस, पैसा से PIA PAIS और A, ठीक है ना। पी से पैसिफिक ओशन, देन वी हैव अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, ठीक है ना। सबसे लार्जेस्ट, देन उससे स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। पांच ओशन है वर्ल्ड के, तो ऐसे आप लोगों ने ये याद रखने हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैंने आप लोगों को लास्ट नॉर्थ अमेरिका जो पढ़ाया था उसको एक्सप्लेन किया था। टॉप है आपका नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, अंटार्कटिक सर्कल क्या है। ये 0 डिग्री क्यों लिखा हुआ है, 23.5 डिग्री क्यों लिखा हुआ है, 66.5 डिग्री क्यों लिखा हुआ है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ लेंगे। उसमें हमारे पास अब क्या है, ये साउथ अमेरिका आप लोगों का कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। अब इसमें कंट्रीज आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ब्राज़ील, पैराग्वे, वी हैव अर्जेंटीना, बोलीविया, पीरो, एक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, सूरीनाम, ठीक है ना, यूरोगुए, पैराग्वे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ये चिली है, इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, ये आप लोगों का चिल्ली है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम इनके देख लेते हैं कैपिटल्स वगैरह, इनके देख लेते हैं हम, हमारे पास कौन कौन से कैपिटल हैं यहाँ पे। ब्राज़ील का कैपिटल आप लोगों को क्या है, ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया, और पैराग्वे का असेंशन, यूरोगुए का मोंटीवीडियो, और अर्जेंटीना का ब्यूनस एरिस, ये लिखा हुआ आप लोगों का ब्यूनस एरिस, ठीक है ना। और बोलीविया का हमारे पास है लापाज, पीरो का हमारे पास है लीमा, एक्वाडोर का हमारे पास है क्योटो, कोलंबिया का हमारे पास बगोटा, वेनेजुएला का केरकस, गुयाना का जॉर्जटाउन, पैरामारे क्या वो सूरीनाम का है, ठीक है ना। इस तरह आप लोगों ने कैपिटल भी देख लेने थे। और अब हम देखते हैं वन बाई वन कंट्रीज इन के, ठीक है ना, क्या किस कंट्री के बारे में क्या चीज़ पीपीएससी के हवाले से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और नीचे साउथ अटलांटिक ओशन, क्योंकि ये साउथ में आता है इसलिए साउथ बोल देते हैं, तो एक ही ओशन, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के हवाले से ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने याद रखना, जो लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था वो समझ नहीं आए तो लास्ट लेक्चर से पढ़ लेंगे आप लोगों ने। अब ब्राज़ील की बात करूँ तो एक तो ये ब्राज़ील सबसे पहले तो लार्जेस्ट आप लोगों का कंट्री इन साउथ अमेरिका एरिया के हवाले से देख लें आप, ठीक है ना। अब ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया, और अब ब्राज़ीलिया के हवाले से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के हवाले से, तो वो इस्लामाबाद को बोलते हैं ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसे बोलते हैं, सेंटोस को, ठीक है ना। ये किस किस कहाँ पे है, किसका सी पोर्ट है, ये ब्राज़ील का। ये तीनों साओ पोलो, आपका सेंटोस एंड ये रियो डी जनेरो, ये तीनों आप लोगों के किस लिए, कॉफ़ी पोर्ट के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं कॉफ़ी के लिए। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी भी आप लोगों का ब्राज़ील ही है, ये एमसीक्यूज भी आप लोगों का आता है, ठीक है ना। इसके हवाले इसके अलावा आप लोगों का यहाँ पे क्या पॉपुलर है, एक आप लोगों को यह नज़र आ रहा है मनानास कहीं पर नज़र आ रहा होगा, ये जो है ब्राज़ील का सिटी, ये किस लिए पॉपुलर है, ये गोल्ड के लिए पॉपुलर है, गोल्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे बलम आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये पॉपुलर फॉर मैगनीज, और नेटल आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आप लोगों का कॉटन के लिए और शुगर केन के लिए पॉपुलर है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये सी तीनों ये आप लोगों के वाटर बॉडीज़ के साथ ही आते हैं, समझ लें इनको सी कोस्ट पे हैं, ठीक है ना। देन वी हैव यहाँ हमारा क्या पॉपुलर है ब्राज़ील में, ब्राज़ील के हवाले से अगर देखा जाए तो रियो डी जनेरो किस लिए पॉपुलर है, 2016 के जो समर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पे हुए थे, वो आप लोगों के हुए थे रियो डी जनेरो में, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें वेनेजुएला की, सेकंड मैं कहूँगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका वेनेजुएला ही है।
हाईएस्ट फॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? वो एंजल फॉल है, साल्ट एंजल फॉल। तो ओरियाको रिवर यार नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, ये लिखा हुआ ओरियाको, ये रिवर ये बिल्कुल एडजस्टेड है एंजल फॉल, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों को एक लैक नज़र आ रही है वेनेजुएला में, मार्कियाबो लैक, ये पॉपुलर है फॉर नेचुरल गैस एंड ऑयल, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, और ये इसका कैपिटल क्या है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो का, पोर्ट स्पेन में आ चुका है आप लोगों का कैपिटल, ठीक है ना। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो कैपिटल क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन। इसके अलावा ये किस लिए पॉपुलर है, यहाँ पे आप लोगों को इसे कहा जाता है, यहाँ पे पाया जाता है आप लोगों का हमिंग बर्ड, लैंड ऑफ हमिंग बर्ड, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो को, ठीक है ना। लैंड ऑफ हमिंग बर्ड क्या है, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो आप लोगों ने याद रखना। इसके अलावा आप लोगों का जो गुयाना है ये किस लिए पॉपुलर है, ये आप लोगों का जो यूरोप यूनियन का लॉन्चिंग पैड है ये यहीं पे है, सेटेलाइट वगैरह जहाँ से लॉन्च किया जाता है वो यहीं पे है, कहाँ पे है, गुयाना में। तो ये भी आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये याद रखना। इसके अलावा आप लोगों को अमेजोन रिवर ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। हाइएस्ट डेल्टा किसका है, अमेजोन रिवर का ही है वर्ल्ड में, ठीक है ना। ये आप लोगों को बेसिन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे आउटफ्लो है इसका, जैसे हमारे इंडस रिवर का आउटफ्लो कहाँ पे है, आपके इंडस रिवर का जो आउटफ्लो है वो है अरेबियन सी में। इसी तरह जो आप लोगों का ये है अमेजोन रिवर, इसका आउटफ्लो है अटलांटिक ओशन में। ये आपका अमेजोन रिवर ये जा रहा है, ठीक है ना। ये इसका आउटफ्लो कहाँ पे है, इसका आप लोगों का अटलांटिक ओशन में। अगर नाइल की बात करें तो उसका आउटफ्लो किस में, उसका मेडिटेरेनियन सी में है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने आउटफ्लो भी याद रखना ही आ जाता है। इसके अलावा मैं नीचे बात करूं तो आप लोगों का है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में सबसे पॉपुलर तो एक मैं बात बताता हूं, जो आपके मेसी फुटबॉल प्लेयर हैं वो कहां से है, वो अर्जेंटीना से ही है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का मेंडोजा यहां पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। मेंडोजा ये आप लोगों का किस लिए पॉपुलर है, ये आप लोगों का मेज़ के लिए पॉपुलर है, ठीक है ना। और रिजेरो आप लोगों का किस लिए पॉपुलर है, ये आप लोगों का पॉपुलर है वीट के लिए, तो आप लोगों ने याद रखना है। रिजेरो किस लिए पॉपुलर है, वीट के लिए, और मेंडोजा फॉर मेज़, तो आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। इसके साथ इसका जो है ब्यूनस एरिस वो किस लिए पॉपुलर, 1992 की जो ओलंपिक्स हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो ब्यूनस एरिस में ही हुई थी, ठीक है ना। यहाँ मोंटी वीडियो और ब्यूनस एरिस के दरमियान एक वाटर बॉडी है यहाँ पे, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, रियो डी प्लाटा, ये भी आप लोगों ने याद रखना। आज तक आया तो नहीं है, इतने डिफिकल्ट आते नहीं है एमसीक्यूज, लेकिन 17 स्केल की अगर जॉब हो पीपीएससी के तो उसमें इस टाइप के एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है ना। मोंटी वीडियो और ब्यूनस एरिस के दरमियान एक वाटर बॉडी है जिसे बोलते हैं रियो डी प्लाटा, ये लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं चिली की बात करूँ, ठीक है, इसका कैपिटल क्या है, सैंटियागो, ठीक है ना। चिली में सबसे ज़्यादा क्या पॉपुलर है, तो वर्ल्ड का जो ड्राइएस्ट प्लेस है वो अटकामा डेजर्ट, यहाँ पे ये अटकामा डेजर्ट लिखा हुआ है। उसकी प्लेस जो है अटकामा डेजर्ट में जो ड्राइएस्ट है उसका नाम क्या है, अरिका, ठीक है ना। आपने ये अरिका हक से याद कर लेना है, ठीक है ना, सब जवानों को सर चढ़ी में आजकल, तो आप लोगों ने याद रखना अरिका से, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों की बोलीविया की, तो हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, वो लापास, ठीक है। वो किसका कैपिटल है, बोलीविया का। लापास का तो हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता किसका कैपिटल है, तो वो बोलीविया का कैपिटल है। सेकंड हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है क्योटो, तो वो इक्वाडोर का, वो भी आपके साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे चिली का एक वलास्पियारो एक यहाँ पे सी पोर्ट है लोगों का, ये भी एमसीक्यू आ चुके हैं पास्ट पेपर में। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों की एक हाईएस्ट लैक कौन सी है वर्ल्ड की, तो वो है लैक टिटिकाका, ये आप लोगों को ये लिखी हुई है यहाँ पे। ये आपको किस किस के बॉर्डर पे है, ये बोलीविया एंड पीरो के बॉर्डर पे है। ये बोलीविया यहाँ पे आप लोगों का, और ये है आप लोगों का पीरो। तो पीरो और बोलीविया के बॉर्डर पे हाईएस्ट लैक ऑफ द वर्ल्ड लैक टिटिकाका, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना। देन यहाँ पे हमारे लिए क्या चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ, लार्ज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड क्या है, तो एंडस रेंज है, ये आप लोगों की लिखी हुई है यहाँ पे, एंडस रेंज, ठीक है ना। और इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सी है, अकुआ कोंगा है वो, ठीक है ना। इसकी हाइट कितनी है, 6962 मीटर। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका क्या है, तो यही है अकुआ कोंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ पॉपुलर है साउथ अमेरिका में, एक यहाँ पे आप लोगों को ये भी डेजर्ट नज़र आ रहा है, ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है ना।
देन वी हैव, हमारे पास क्या चीज़ें यहाँ पे जो मैक्सिमम यही आते हैं आप लोगों के पीपीएससी में एमसीक्यूज, कोलंबिया का मोस्टली ये पूछा जाता है, कैपिटल है बोगोटा, ठीक है ना। देन हम चलते हैं आप लोगों के यहाँ पे, ज़रा देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अमेज़ोन रिवर की, ठीक है ना, तो अमेज़ोन क्या है आप लोगों का लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है ना। किस लिए लार्जेस्ट रिवर है ये, क्योंकि वाटर फ्लो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर या वाटर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में इसका, और सेकंड लार्जेस्ट आप लोगों का नाइल आता है। तो मिक्स नहीं करना, नाइल जो है लॉन्गेस्ट रिवर है लेकिन लार्जेस्ट नहीं है वो, क्योंकि वाटर वॉल्यूम उसका कम है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ोन रिवर, ठीक है ना। तो ये हमारे साउथ अमेरिका के हवाले से जितने भी हमारे एम सी क्यूज थे इंपॉर्टेंट, वो इस वीडियोज़ में हमारे हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम किसी और कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और जिन लोगों ने नॉर्थ अमेरिका नहीं पढ़ा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो पढ़ लें।